संदेश खाली मामलार पीड़ित एवं बीजेपी प्रार्थी फोन रे कथा हेले पीएम मोदी। बेंगलर बसीरहाटू लोकसभा निर्वाचन लड़ापी बीजेपी टिकेट पाई संदेश खाली पीड़िता रेखा पात्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथा होती दुईज कथबार्तार अडियो क्लीप एवं भाइराल होबार लगी। सामनाकु आसीथिबा ऑडियो क्लिप रे मोदी बसीरहाटर बीजेपी प्रार्थी रेखा को पचारुछंती जे आपण एबे गोटे बड़ दायित्व निर्वाह करबा को जाउछंती केमिति अनुभव करुछंती यार जवाब रे रेखा कहिछंती मोते बहुत भल लागुछि आपणक हात मो मुंड उपरे एवं संदेश खालीर समस्त महिलांक मुंड उपरे रहिछि आपण आमर भगवान भळी भगवान रामक हात आम मुंड उपरे थिबा भळी मने हेउछि। गोटे बड़ घटना आम सह घटी केवल संदेश खाली नुहे बसीरहाटर समस्त महिला विपर्ययर सम्मुखीन होती आमे अभियुक्त विरोध में कार्यानुष्ठान दावी करुचु। 2011 आमे वोट देवाक सक्षम होना आशा एथर आमे वोट देवु यही कथबार्ता बेले प्रधानमंत्री रेखा पात्र साहस को साधुवाद जणाई मोदी कहते रेखा जी आपण संदेश खाली रे गोटे बड़ लड़े करपण जड़े शक्ति स्वरूपा आपण अनेक बाहुबली लोकों को जेल पठाई आपण निश्चिंत निर्वाचन जीतिबे। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था, मैं यथासंभव कोशिश करता हूँ कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूँ। मैं जानता हूँ आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश खाली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीरहाट लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान अत्याचारी तो हुई है और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए, हम वोट दे पाएंगे संदेश खाली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा। लेकिन रेखा जी, जब ये आपका नाम घोषित हुआ, आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया, वो जब समाचार मिला तो आपके पड़ोस में अड़ोस में और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो, सब में क्या मैसेज गया, सबका कैसा रिस्पांस है? सब लोग खुश है। 2-4 टीएमसी की जो माँ बहन थे उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अभी मान लिया और उन्होंने भी फिर से हमारी पास मैसेज वीडियो कॉल से मैसेज भेजा। उन लोगों ने जो किया वो तो टीएमसी की बुलाने पर किया है, उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई गई है और नहीं होगा जो किया उनके लिए उन्होंने माफी मांग रही है। तो हमारे कोई उनका ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है क्योंकि वो हमारे माँ बहन हमारी भाई बाप है, हम तो सबके लिए लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ रही है, हम उनके लिए लड़ेंगे, जो जमीन जो सम्मान लौटाया जाए इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। रेखा जी, अभी जो मैं सुन रहा हूँ आपको, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि जिसने आपका विरोध किया उसका भी भला हो। और मैं सुन रहा हूँ अभी तो आप चुनाव के मैदान में उतरी हो और आप कह रही हो कि टीएमसी के जिन लोगों ने मेरे खिलाफ किया है उनका भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी, ये आप बहुत बड़ी बात बता रही हो। और मैं सच बताता हूँ, देश जब जानेगा कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती हैं और सारा देश आप पर गर्व करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके। रेखा जी, मुझे पता लगा है कि बसीरहाट में जनता, विशेष रूप से महिलाएं, ये आपको बहुत स्नेह दे रही हैं
और अब जब चुनाव के मैदान में उतरी है तो अब क्या वातावरण है? उनकी घर की बेटी हूँ मैं और उन्होंने मुझे चाहती है ये सुनकर बहुत खुश हूँ मैं। और इलेक्शन पे उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा मुझे, और उन्होंने जब पूरा सपोर्ट करेंगे तब ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे। और हम भी गरीब घर की लड़की हूँ, किसी की घर की बेटी बहू हूँ, तो यही बोलूँगा। मेरे पति भी तमिलनाडु चेन्नई उधर काम करती है, हमारा फैमिली में बहुत दुख, बहुत परिश्रम करके उनका हमारा संसार चलती है, तो हम चाहेंगे सबके लिए कुछ ऐसे करेंगे जो बाहर ना जाना पड़े, सबको इधर कंपनी मिले, इधर काम करे और हमारा इधर से बंगाल से बाहर ना जाना पड़े, इसलिए हम पूरा कोशिश करेंगे। आपका ये जो आत्मविश्वास है ना, आप जरूर दिल्ली पहुंचोगी और आप जरूर चुनाव जीत करके आओगी। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आप तो एक मेहनत कश परिवार से हैं, बहुत मजदूरी करके गुजारा करती हैं और इतना बड़ा सार्वजनिक जीवन का जिम्मा मिला है, बहुत बड़ा अंतर आया होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ रहूंगा, व्यक्तिगत रूप से भी मैं आप सबकी चिंता करूंगा। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।